तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे रैपिड चेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू रैपिड चेक चैनल, जहां पे आपको मिलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स। दोस्तों आज हम खड़े हैं इंडिया की मोस्ट पॉपुलर मोस्ट सेलिंग कार के सामने, जिसका नाम है महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस। दोस्तों ये जो पावर प्लस है ये रिसेंटली लॉन्च मॉडल है। पहले दोस्तों इस गाड़ी में आता था M2 DICR डीजल इंजन, अब दोस्तों इसको एडवांस अपग्रेड कर दिया गया है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड की ही है, साथ में इंजन को भी अपग्रेड कर दिया गया है। अब दोस्तों इसके अंदर आता है 1.5 लीटर M-Hawk डीजल इंजन, 70 bhp ऑफ पावर, 195 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 16 का एवरेज ये गाड़ी दोस्तों निकालती है, बोलेरो पावर प्लस। दोस्तों आप इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल को देख सकते हैं। साथ में दोस्तों इस गाड़ी के टर्निंग रेडियस का मैं बात करें तो 5.8 मीटर इसका टर्निंग रेडियस है। 15 इंच की आपको व्हील्स इस गाड़ी के अंदर देखने मिल जाएंगे। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर है। 60 लीटर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और दोस्तों इसकी बूट की अगर बात करें तो इसकी जो 7 सीटर रो है उसको अगर डाउन कर देते हैं तो बूट स्पेस आपको 690 लीटर्स का देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको 10 ऐसी बातें बताता हूँ बोलेरो के बारे में जो आपको किसी भी वीडियो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। क्यों ये गाड़ी इंडिया की नंबर 1 SUV रही है 9 साल के लिए। दोस्तों 9 साल से लगातार ये गाड़ी इंडिया की नंबर 1 SUV रही है, कोई भी गाड़ी इसको बीट नहीं कर पाई है। दोस्तों 10 मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ क्यों ये गाड़ी इतनी अच्छी है, क्यों ये गाड़ी इतनी सेल आउट होती है, लोग इसको इतना प्रेफर क्यों करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, ये जो गाड़ी है ये लोग पर्सनल यूज़ के लिए तो लेते ही लेते हैं, साथ में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भी दोस्तों लेते हैं। ये गाड़ी लोगों के कामों के अंदर भी इस्तेमाल आती है, तो इनकम कार भी कह सकते हैं आप इसे, और पर्सनल यूज़ के लिए तो आती है। 10 फीचर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। एक है इसका सबसे मेन जो इसका फीचर है वो इसका टफ बिल्ड। आप इसका बिल्ड देख सकते हैं, लोहे की दोस्तों गाड़ी है ये पूरा, दोस्तों लोहा है ये, प्लास्टिक नहीं है कहीं पर भी। जो आपने थार देखी है उसमें भी लोहा लगा है, ये भी दोस्तों पूरी जो गाड़ी है ना आप पूरी लोहे की गाड़ी देख सकते हैं, प्लास्टिक आपको देखने को नहीं मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। दूसरी जो चीज़ इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 180 mm का दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर, जिससे कि आप जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो जो आपकी पोजीशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो जाती है और आपको पूरा SUV का फील आता है। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, ये 7 सीटर गाड़ी है, स्पेशियस गाड़ी है, आप यहाँ से देख सकते हैं 7 सीटर गाड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों ये एक 7 सीटर गाड़ी है। ऑफ रोड कैपेबिलिटी, आप दोस्तों इसके अंदर कोई ऑफ रोडिंग मटेरियल नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऑफ रोडिंग स्विच नहीं है, हिल डिसेंट, हिल ट्रैक्शन कंट्रोल कुछ भी दोस्तों नहीं है, लेकिन तब भी कहीं भी ले जाओ दोस्तों इसको, रेत में ले जाओ, ऊबड़ खाबड़ सड़कों कहीं भी ले जाओ, कैसे भी चलानी है वैसे चलाओ, गाँव में चलाओ, खेतों में चलाओ, कभी भी इसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोहे की बॉडी है दोस्तों, लोहे की आप देख सकते हैं ऐसे, लोहे की बॉडी है पूरी गाड़ी की, तो ये आपको कहीं भी दिक्कत नहीं देने वाली है। साथ में दोस्तों इस गाड़ी का एवरेज, इस गाड़ी का जो दोस्तों एवरेज है वो है 16 का, तो दोस्तों इतनी बड़ी गाड़ी और 16 का एवरेज निकाल दे तो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो मेजर चीज़ है वो है इसके लो कॉस्ट स्पेयर पार्ट्स। दोस्तों अगर इसके पार्ट्स की मैं बात करूँ तो मैं आपको बताया था ये गाड़ी आपको शहर में मिल जाती है, गाँव में भी देखने को मिल जाती है, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे, सस्ते सस्ते में दोस्तों इसके पार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों इसकी गाड़ी के सातवें ऑप्शन की मैं बात करूँ, सातवें फीचर की मैं बात करूँ तो वो है इसका लो मेंटेनेंस। कम से कम खर्चे में आप इस गाड़ी को चला सकते हो, 3.5 से 4 हज़ार रुपये इसकी सर्विस कॉस्ट है। 2 साल की वारंटी तो महिंद्रा आपको देती ही है, उसके बाद अगर आप इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं, इस गाड़ी को आप मेंटेन रखना चाहते हैं, तो 3.5 से 4 हज़ार रुपये में इसकी सर्विस हो जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें फालतू के फीचर नहीं है, फालतू की टेक्नोलॉजी नहीं लगी है। मेन एक सॉलिड बिल्ड कार है, ये स्पेशियस कार है, इस वजह से इसमें कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। दोस्तों गाड़ी के 8वें पॉइंट के पे चले हैं। दोस्तों हम जब भी कोई गाड़ी लेते हैं, हम इंडियंस कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं वो गाड़ी बिकेगी कि नहीं बिकेगी। दोस्तों इस गाड़ी का मैं बता दूं, इसकी गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है, अच्छे प्राइजेस में ये गाड़ी रीसेल हो जाती है, दो दो तीन तीन ओनर्स ले लेते हैं तब भी इस गाड़ी को कुछ नहीं बिगाड़ता, तो इस गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है वो भी काफ़ी हाई है। 9वीं चीज़ जो कि काफ़ी मेजर पॉइंट भी है वो है इसका लीफ सस्पेंशन, जो दोस्तों आपने थार में देखा था लीफ सस्पेंशन, वही सेम लीफ सस्पेंशन इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, इसलिए दोस्तों इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं।
जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि इस प्राइस रेंज में, जो दोस्तों जिस प्राइस रेंज में बुलेरो आती है, उतने रुपए में कोई भी कंपनी आपको 7 सीटर गाड़ी नहीं दे सकती है। दोस्तों इस गाड़ी का जो प्राइस है वो है 7,20,000 से लेकर 8,50,000 रुपये तक। 8,50,000 रुपये में जो ZLX टॉप एंड वेरिएंट आता है, आप ये टॉप एंड वेरिएंट देख रहे हैं, पावर प्लस बुलेरो का वेरिएंट देख रहे हैं, एम हॉक इंजन है, फीचर्स हैं इतने सारे, 10 चीज़ें मैं आपको बताई हैं। जो मेजर चीज़ है, 10वीं चीज़, वो है पैसे। दोस्तों पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के अंदर। दोस्तों 8.5 लाख रुपये में कोई भी गाड़ी, कोई भी कंपनी आपको 7 सीटर गाड़ी नहीं दे सकती है जो इतनी अच्छी ऑफ रोड कैपेबिलिटी हो। ये दोस्तों 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो सारी चीज़ें, इस 10 पॉइंट्स की वजह से ये गाड़ी जो है इंडिया की सबसे नंबर 1 SUV रही है 9 साल से। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों गाड़ी की टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी बुलेरो की नई की, नए डिज़ाइन में आपको दोस्तों की देखने को मिल जाएंगी। लॉक एंड अनलॉक फीचर, ये दोस्तों सर्च का फीचर है। जब भी आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, आप इसको प्रेस कीजिए, ऐसी लाइट्स ब्लिंक होने लग जाएंगी, तो आपको पार्किंग में भी आराम से मिल जाएंगी गाड़ी। आप इसको प्रेस करिए, यहाँ देखिए लाइट्स ऑन लगे, तो सेफ्टी वाइज भी और जो फीचर वाइज भी इसको अपग्रेड कर देगा। आप इसकी चाबी देख सकते हैं, यहाँ से ये खुल जाती है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ORVMs जो कि थार स्टाइल के हैं। यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको 15 इंच के व्हील्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप बुलेरो पावर प्लस की बैजिंग देख सकते हैं। ZLX जो इसका मॉडल है, दोस्तों मॉडल्स का मैं बात करूँ तो इसके अंदर EX, SLE, SLX और ZLX मॉडल आते हैं। 9 और 7 सीटर वेरियंट में ये गाड़ी अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं इसका पीछे बुलेरो का जो शेप है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पीछे इसका टायर लगा हुआ है, स्पेयर व्हील लगा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए ऊपर, दोस्तों आप ये भी देखें ना, पूरा दोस्तों लोहा है ये, इसमें कोई भी चीज़ प्लास्टिक की नहीं है। चलिए इसको ओपन करते हैं, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 2 सीट्स देखने को मिल जाएंगी आपको, बड़े लोग भी आराम से सीट के अंदर बैठ सकते हैं। आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो चलिए बैक सीट्स पे बैठ के देखते हैं। गाड़ी की हाइट देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी हाइट है। आपको यहाँ पे पैर रख के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। दोस्तों गाड़ी के लेग रूम के बारे में दोस्तों बात करें तो लेग रूम भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, हाइट तो काफ़ी अच्छी है ही। अगर आप दोस्तों बुलेरो के अंदर बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा किसी आप बड़ी SUV में बैठ रहे हैं। मैंने आपको पॉइंट में मेंशन किया था 10 पॉइंट के अंदर, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इसकी बिल्ड कैपेसिटी है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, उस हिसाब से गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है। जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आपको पूरी ऑफ रोडिंग आप करेंगे, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोर्ट के लिए हर जगह पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, कहीं से भी आप गाड़ी को ले जा सकते हैं। हाइट तो अच्छी है ही गाड़ी की, आप देख सकते हैं हाइट को, कितनी अच्छी हाइट है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ भी आपको दोस्तों सीट बेल्ट देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों ये है महिंद्रा बुलेरो का फ्रंट डैशबोर्ड। तो चलिए आगे चल के देखते हैं, जानते हैं क्या क्या चीज़ें हमको महिंद्रा की बुलेरो में देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों ये आ गए हम गाड़ी के बाहर, तो चलिए इसकी फ्रंट सीट में बैठ के देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको को ड्राइवर सीट भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बुलेरो का इंटीरियर, तो चलिए उस साइड बैठ के देखते हैं। दोस्तों अगर इस साइड आते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे पूरा लोहा है। दोस्तों ये पूरे लोहे का डिज़ाइन है गाड़ी का, पूरे लोहे से बनी हुई है गाड़ी। यहाँ आप जब अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये पुरानी बुलेरो नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई है। इंटीरियर कितना अच्छे से इसको बना दिया गया है, यहाँ भी आप इंटीरियर को देख सकते हैं। ड्यूअल टोन में इसका इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पर सामान रखने का स्पेस है, लॉक एंड अनलॉक के लिए है ये। यहाँ पर आपको लिफ्ट होके ही बैठना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हमने कर ली गाड़ी बंद। यहाँ भी दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटर दिखेगा। तो हम शुरू करते हैं स्टार्ट। वेलकम टू योर बोलेरो, टेक ऑन एनीथिंग विद इंडियाज नंबर 1 SUV। देखा आपने, ये है दोस्तों टेक्नोलॉजी और एक कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन का मिक्सचर। यहाँ दोस्तों आप पावर विंडोज़ भी देख सकते हैं बोलेरो के अंदर, चारों पावर विंडोज़ देखने को मिल जाएंगी। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, 12 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। ये महिंद्रा की तरफ से म्यूज़िक सिस्टम। यहाँ पे आपको AC देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फ्रंट एंड रियर डिफॉगर देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर के लिए,
दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसका नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आप आईपीएम देख सकते हैं, फुली डिजिटल दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप बुलेरो में देख सकते हैं। आपने विश्वास भी नहीं किया होगा कि बुलेरो जैसी गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। आप इस पैसेज में और गाड़ी देखेंगे तो आपको एनालॉग ही देखने को मिलेगा, पर इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आप स्पीडोमीटर देख सकते हैं, डिजिटल इसकी स्पीड आपको डिफाइन होगी, या आरपीएम मीटर है, ये फ्यूल का मीटर है। यहाँ पे दोस्तों गाड़ी के अंदर थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ दोस्तों पार्किंग लाइट का बटन है। तो दोस्तों आपने देखा, तो अब ये जो बुलेरो है ये आपकी वो पुरानी बुलेरो नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांस है ये बुलेरो। सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर, म्यूज़िक सिस्टम तक है जिसमें आपको ऑक्सी कंपैटिबिलिटी मिल जाएगी, यूएसबी की कंपैटिबिलिटी दोस्तों इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप स्टोरेज स्पेस देख सकते हैं, इस साइड पावर विंडो कंट्रोल्स में बता ही चुका हूँ, ये आपका पार्किंग ब्रेक, इस तरफ भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये है दोस्तों आपका ग्लोव बॉक्स। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कितनी अच्छी सी वुडन फिनिश दी गई है बुलेरो के इंटीरियर को इन्हांस करने के लिए। यहाँ पे आप दोस्तों एसी वेंट्स देख सकते हैं। इस साइड आइए तो आपको रियर मिरर देखने को मिल जाएगा, इस साइड पे भी आप आजकल मिरर देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लाइट्स देख सकते हैं गाड़ी की। तो दोस्तों ये है महिंद्रा की बुलेरो का इंटीरियर, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। यहाँ भी आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे हेडलाइट के लिए है ये, और अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी फिनिश। आप इसकी दोस्तों फिनिश देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये पुरानी बुलेरो नहीं है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए गाड़ी के बाहर चलते हैं और आपको कुछ बातें मैं बता देता हूँ गाड़ी के बारे में। दोस्तों ये हम आ गए गाड़ी के बाहर। दोस्तों जो मैं आपको 10 फीचर बताएं बुलेरो के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा आपको कैसे फ़ीचर लगे वो, क्या आपको ऑथेंटिसिटी लगी उन फीचर्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों वही जो 10 फीचर हैं वही इस गाड़ी को इंडिया की नंबर 1 एसयूवी बनाते हैं। अगर आपको दोस्तों कुछ और फीचर लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बुलेरो के बारे में अपने कमेंट्स दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको सारी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहें।